दीजिए ना जीजी। हाँ सब्जी बनाई है भाभी ने। हाँ? एक्सक्लेमेशन मार्क। और भैया चिड़िया के हाथों की लहसुन की चटनी का खाइए, क्या टेस्ट का डिलाइट है। जी वन मोर वन मोर। जी मुझे पता है जी आपसे कुछ नहीं बना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जी मुझे पता है जी आपसे कुछ नहीं बना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद चीज़ों की थाली परोसती हूँ। आइए ना। हाँ बैठिए ना दीदी। अब ये होटल ने थाली दिखाई तो कहते हैं कि हमारी भारतीय पूर्ण आहार है, फुल स्टॉप। हाँ, उसमें सभी सत्वों का समावेश होता है। डॉट डॉट डॉट। दोनों बच्चे ये संपूर्ण समावेश नहीं, ये खाने में मिलावट है। मिलावट? ये मसाले वाला खाना, प्याज लहसुन, ये सब शरीर में अग्नि पैदा करता है। और कभी ये जो तू चटनी चाटे जा रहा है ना, याद रखना ये भी तांत्रिक है, ये तेरे दिमाग में अग्नि पैदा करता है। और फिर आप लोग इस खाने को खाकर भी तकलीफ नहीं होगी। तो बोलो ओम शांति ओम शांति शांति ओम। कभी अरे भैया क्यों कर रहे हो टेंशन, टाइट खाने दो ना मुझे खाना। ऑल राइट छोटा जैसी तेरी मर्जी, बस बाबूजी आप खाएंगे मेरा खाना। बाबूजी बेटा आप वो तो एक काम का तू ही खा ले, मुझे क्या है मेरी बहुओं के बना हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वही खा। बाबूजी और लीजिए ना। मयूरी की तरफ देखा, मयूरी को तो भूख के मारे पेट, मयूरी के पेट में, मयूरी के भूख के मारे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। मयूरी एक सेकंड का आपने देखा मयूरी के पेट में तो चूहे। मयूरी के पेट में तो चूहे भूख के मारे भूख डांस कर रहे हैं। मयूरी तो अपनी कोयल दीदी के हाथ का ही खाना खाएगी, वो आप ही खाइए। कोयल आपको देखा जी,
मैंने तो अपने हाथों से खाना बनाया, तो मैं तो यही खाऊंगी। पीसी बाबू, आप ही खाइए अपने हाथ का बना खाना, सात्विक खाएंगे। आपको देखा सुनिए, मैं भी इसी में खुश हूँ। सबको सद्बुद्धि दे शांति और फ्यूजन बाबा। तो बोलो ओम शांति ओम शांति शांति ओम। बैठ गए, देखिए बैठ के देखिए वो पान चाय कर रहे हैं, थाली के चारों तरफ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ देखिए, मन को बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम धीरे धीरे हल हो रहे हैं, सारे सॉल्व हो रहे हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं अब कभी भी संसार में वापस नहीं आऊँगा। सबके लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि एकदम से जब आदमी बदल जाता है कि हम दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, अब हमारे जैसा ना उनका पहनावा रहा ना हमारे जैसा खाना रहा उनका, तो हमें ऐसा लगता है कि यार तो हमसे दूर चले जाएंगे अब कि संसार। एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमसे एकदम जाके कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं अपना आसन लगा लेंगे। तो मोस्ट शॉकिंग, बिकॉज सबके लिए बहुत शॉकिंग है। देखो, अपने आप में संन्यास लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और घोटक भैया जैसा इंसान संन्यास ले जो कि कभी सोच भी नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते कि घोटक संन्यास लेगा। उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास लेने वाले हैं, सब कुछ त्याग दिया, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, सब रिश्ते नाते सब त्याग दिए। तो हम अगर समझो मैं संन्यास लेने की बात करता तो सब लोग फिर भी लगता है एक बार इतने हैरान परेशान नहीं होते, मान जाते। लेकिन घोटक भैया जैसा इंसान और बाबूजी के बाद हमारे लिए हमारे भैया हैं, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है भैया से सलाह मशवरा करते हैं, भैया से राय लेते हैं और वो सन्यासी बन जाएंगे तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे राय लेने के लिए उनको। मैं कौन रहा? तो आप घर वालों का क्या प्रयास है, क्या आपने कुछ कोशिश की जिनसे? कोशिश कर रहे हैं। देखो, सन्यासी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ छोड़ देना, खाना पीना और जो भी ऐशो आराम की चीज़ें सब छोड़ देना। लेकिन वो मुश्किल नहीं है छोड़ना। तो अगर खाना पीना आपने छोड़ दिया है तो जो चीज़ आपने छोड़ी है वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो आपको तकलीफ़ होगी। या आपने सब ऐशो आराम छोड़ दिए हैं, आप नंगे पांव चलने लगे हैं, तो फिर से आपको अगर पता लगे कि सामने ज़मीन पर कांटे हैं तो फिर अगर साइड में चप्पल पड़ी हो तो आपका मन कर सकता है कि मैं चुपचाप चप्पल पहन के निकल लूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो सन्यासी उनके अंदर आ बैठा है वो वहाँ से भाग जाए और फिर से हमें हमारे भैया मिल जाएं। आप बताइए कि आज जो घर वालों ने प्रयास किए अच्छा मज़ेदार खाना बनाया है तो इससे क्या घोटक को कुछ तकलीफ हो रही है? हाँ, तकलीफ तो होती है क्योंकि घोटक एक ऐसा इंसान है जो बहुत शौकीन आदमी है, बहुत शौक है, खाने पीने का शौक है, कपड़े पहनने का शौक है, पिक्चर देखने का शौक, सारे शौक वो छोड़ चुका है, मोह माया त्याग कर वो सन्यासी बन गया है। लेकिन सन्यासी बनना सिर्फ कपड़े पहनना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है कि सन्यासी जैसा जीवन जीना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन्होंने इतना अच्छा अच्छा खाना मेरे सामने रखा है, मुझे खाने का एक बार लालच तो हो गया लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो मैंने चीज़ें छोड़ी हैं मैं वापस उसे अपनाऊँ नहीं, वो मोह माया के जाल में मैं दोबारा फंसूँ नहीं। सो मेरी कोशिश जारी है कि मैं सन्यास की तरफ आगे जाऊं और मेरे परिवार वालों की कोशिश ये रही कि मैं संसार में वापस आ जाऊं। तो देखिए कौन जीतता है, मेरे हिसाब से तो इस बार मैं ही जीतूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सारे प्रॉब्लम की जड़ ये मोह माया है। कितना मजबूत है आपका इरादा? बहुत मजबूत है। अगर मजबूत ना होता तो अभी मैं इनके साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पर खा रहा होता। मैंने खाना छोड़ दिया है, मैंने चप्पल पहनना छोड़ दिया है, मैं ज़मीन पर सोता हूँ, मुझे कोई और मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं है और मुझे कुछ तकलीफ़ भी नहीं हो रही। थोड़ी सी तकलीफ तो डेफिनेटली होती है क्योंकि वो अभी शुरुआत है,
लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं अब सन्यासी बनकर ही रहूँगा। अभी जो आपने सन्यास तो जस्ट स्टार्ट है, आगे जाके बहुत सारी तकलीफ और आपको झेलनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, जब आप मोह माया से मुक्त हो जाते हो, जब आप अपने परिवार से, अपने मौत शौक से, अपने ऐशो आराम से जब दूर चले जाते हो और आपको जब उसकी आदत हो जाती है, फिर कोई तकलीफ़ नहीं देती, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। और मेरा ध्येय है कि मुझे सन्यासी बनना है, और सन्यासी बनने से मेरी ज़िंदगी में शांति लौट आई है, तो मैं किसी भी हाल में